नमस्ते सदा वसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर से आ रही है। दोस्तों, आतंकियों के हौसले जिस तरीके से नाकाम हो रहे हैं, लेकिन कोशिशें उनकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा पुलिस ने बीएसएफ के साथ आरआर और 87 बटालियन के साथ मिलकर तंगधार इलाके में एक कार्रवाई की। इस दौरान कई हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसे की घुसपैठिया छोड़कर भाग गए। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में AK-47 राइफल, एक पिस्तौल, 2 हथगोले और 30 करोड़ रुपए की लागत की हीरोइन के 6 पैकेट शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तलाश अभियान के दौरान बीएसएफ ने 27 पैकेट हीरोइन के बरामद किए थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 135 करोड़ रुपए है। यानी कि दबिश लगातार भारतीय सेना दे रही है इन आतंकियों के खिलाफ, और ऐसे में कभी ड्रोन के जरिए तो कभी घुसपैठियों के जरिए वो इस तरीके की चीजें भारत की सीमा पर पहुंचा रहा है। लेकिन मुस्तैद जवान हर बार उसे मुंह की खाने पर विवश कर देते हैं, और साथ ही इसमें नुकसान इन्हीं आतंकियों का और उनके आला अधिकारियों का होता है, क्योंकि इतनी कीमत के ये जो पैकेट से भेजते हैं और हथियार भेजते हैं, उनका सही जगह ना पहुंच पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, और ऐसे में भारतीय सेना कभी भी इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है और उसे भी जल्द लॉन्च कर सकता है, और ऐसे में भारत ने अब अपनी स्पीड तेजी से बढ़ा दी है और पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को अब अगले साल नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले साल स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की आजादी के 75वें सालगिरह पर तोहफे के रूप में इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि IAC में डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील से लेकर प्रमुख हथियार और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और इससे भारत की नौसेना को एक और मजबूती मिल जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना को मैसेज देते हुए कहा कि गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती ने हमारे इरादे का संकेत चाइना को दिखा दिया था कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन हम हर घटना के लिए भी तैयार हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि गार्डन रिशिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गार्डन रिशिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने मिनी रत्ना कैटेगरी 1 डिफेंस PSU के साथ मिलकर 250 टन की गोलियत क्रेन को चालू कर दिया है। 250 टन की क्षमता, 59.6 मीटर की ऊंचाई और 35.5 मीटर की चौड़ाई वाली ये क्रेन दक्षिण कोरिया की मेसर्स संगसिंगिन मरीन के द्वारा निर्मित की गई है, और इसे पूरी तरीके से असेंबल करके भारत पहुंचाया गया है। ये क्रेन इक्विप्ड है ऑटोमेटेड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से, जो कि एक ऑपरेटर के द्वारा भी संचालित की जा सकती है। आपको बता दें कि गोलियत क्रेन की उपलब्धता से GRSE की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं में काफी मदद मिलेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि स्वदेशी ATAGS को लेकर आ रही है। भारत फोर्स लिमिटेड के द्वारा ये बात कही गई है कि ATAGS ने सबसे कठिन परिस्थिति में उच्च ऊंचाई में, यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत फोर्स ने इस उपलब्धि के लिए DRDO का भी आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस तरीके के डेवलपमेंट और इस तरीके के परीक्षण के साथ ATAGS का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक मील का पत्थर बन गया है, क्योंकि इसके परीक्षण उच्च ऊंचाई पर किए जाने बाकी थे। साथ ही इसके परीक्षण में पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में इसकी गतिशीलता का परीक्षण भी किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। ATAGS का डेवलपमेंट प्रोग्राम अब इस महीने पोखरण में रेगिस्तान परीक्षणों के अंतिम चरण में चला गया है, जिसके बाद इसके लिए ऑर्डर दे दिए जाएंगे और ये भारतीय सेना को मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट S-400 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर आ रही है। रशिया ने कहा है कि भारत को दिसंबर तक अपना पहला S-400 वायु रक्षा जो प्रणाली है वो मिल जाएगी, और सबसे खास बात उसने ये कही है कि ये प्रणाली पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत को एक पूर्ण कवर, यानी कि कंप्लीट कवर प्रदान करेगी। यही नहीं, भारत की तरफ से रूस में 100 कर्मियों को भेजा गया है, जो कि S-400 की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। S-400 के रूसी डेवलपर्स ने कहा कि S-400 को समुद्र तल से 3000 मीटर की अधिक ऊंचाई से भी ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही रूस ने कहा कि यह पूरा 100% सुरक्षा प्रदान करेगा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत को। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने आपको हाल ही में बताया था कि चाइना ने भी सिंजियांग में अपने होटन एयरबेस पर और तिब्बत में निंचे एयरबेस पर S-400 की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर रखी है। यानी कि अब S-400 का जवाब S-400 से दिया जाएगा, अगर वास्तविकता में चाइना कोई पंगे लेता है तो। अगली अपडेट गोवा शिपयार्ड को लेकर आ रही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में गश्त करने के लिए भारतीय सेना की पहली हाई परफॉर्मेंस स्पेशल बोट देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारतीय सेना के अधिकारी भी इसकी समीक्षा करने के लिए वहां पर मौजूद रहे।
यही नहीं, जीएसएल ने बताया कि भारतीय सेना के जो अधिकारी आए थे उन्होंने होवरक्राफ्ट और इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए भी बातचीत की है, जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है। आपको बता दें कि जीएसएल भारतीय सेना के लिए 12 स्पेशल बोट्स को बना रहा है, जिसके लिए उसे 65 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और अगले साल जुलाई तक पहली नाव दिए जाने की योजना भी है। इसके अलावा 3 और जो बोट्स हैं वो अपने निर्माण के अंतिम चरणों में है। यही नहीं, जीएसएल के द्वारा बनाई जा रही इन 12 बोट्स में ऑप्टिकल सेंसर सहित मशीन गन और सर्विलांसिंग गियर भी लगे होंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो एक और चीनी घुसपैठिए को लेकर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बताया कि एक और चीनी नागरिक को एसएसबी के जवानों ने उस समय पकड़ा जब वो भूटान में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसके पास एक लीगल चाइनीज पासपोर्ट था, लेकिन उसका भारतीय जो टूरिस्ट वीजा था वो समाप्त हो गया था, लेकिन इस महिला जासूस को पूछताछ के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया गया है। आईबी काउंटर इंटेलिजेंस सेल उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही बीएसएफ के जवानों ने मालदा जिले में एक चीनी नागरिक हान जुनवे को पकड़ा था, जो कि स्पेशली जासूसी करने के लिए ही भारत आया था। लिन की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में 2 चीनी पर्यटकों में से एक को बिहार नेपाल सीमा से, दूसरे को बंगाल के कलिम्पोंग जिले के लावा से गिरफ्तार किया गया। दोनों डोकलाम के पास सिक्किम भूटान सीमा पर रेशनला पास जैसे रणनीतिक क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहे थे। दोस्तों, चाइना की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी नजर है, इसीलिए वो आए दिन अपने इन चीनी गुर्गों को भेज रहा है और ये देखना चाहता है कि किस तरीके की तैयारी भारत ने कर रखी है। इसीलिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश चाइना के जासूसों के एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गए हैं। अगली अपडेट चाइना को ही लेकर आ रही है। दोस्तों, चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ये ट्रेन तिब्बत के प्रांतीय राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर निंगची को जोड़ेगी। चीन की मीडिया के मुताबिक सिचुआन तिब्बत रेलवे के तहत 435 किलोमीटर के ल्हासा निंगची सेक्शन का उद्घाटन 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरा होने से पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सुबह खुलेगी और इसका आधिकारिक रूप से संचालन भी शुरू हो गया है। दोस्तों, चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जिसे भारत हमेशा से खारिज करता आया है और करता भी रहेगा। भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी शामिल है। दोस्तों, ये रेलवे सेक्शन चाइना के सैन्य परिवहन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में वो तेजी से अपने सैनिकों को सीमा पर पहुंचा सकता है और अगर चाइना किसी भी तरीके से कोई पंगा लेगा अरुणाचल के रास्ते तो भारत सबसे पहले उसके इसी रेलवे ट्रैक को उड़ा देगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, टेंशन यहाँ पर चाइना के लिए ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।